और एक दिन पहले शमशान की छत गिरने से हुए हादसे से लोग नाराज थे। हंगामे की वजह से गाजीबाद में लंबा जाम लग गया। पुलिस प्रशासन ने परिवार के लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया, लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर जाकर लोगों ने फिर सड़क को जाम कर दिया। लोग लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और 15 लाख मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मुरादनगर हादसे में अब तक 25 लोगों की जान गई है, जबकि नगर पालिका अधिकारी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गाजियाबाद में सड़कों पर जाम करने की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। पहले पुलिस ने काफ़ी उनको समझाया, लेकिन वो पुलिस की बात को नहीं समझते हुए दिखे। इस बीच आपको बता दें, इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। नगर पालिका अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लगातार जो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए, तभी ये जाम खत्म होगा। दीपक बिष्ट हमारे साथ मुरादनगर से जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी वहाँ पर क्या हाल है? देखिए प्रीति, यहाँ पर जो स्थिति है अभी कमोबेश उसी तरह की है, क्योंकि मेरे दाहिनी तरफ भी 3 शव यहाँ पर रखे गए हैं और बाईं तरफ भी सड़क पर 3 शव रखे गए हैं। और लोगों की जो डिमांड है वो यही है कि सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही जो आश्रित हैं उनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, उन्हें रोज़गार मुहैया कराया जाए और जो राशि है सहायता राशि उसको बढ़ाया जाए, 15 लाख के आसपास की जाए, जिसके बाद प्रशासन और सरकार के बीच में यहाँ पर जो अमला अधिकारी आए थे उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की। लेकिन आप देख सकते हैं, उसकी बातचीत के बाद भी पीड़ित परिवारों के लोगों का कहना है कि उन्हें चेक दिया जाए ताकि वो बात कर सके, क्योंकि हम कागज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते। और यही वजह है कि यहाँ पूरा परिवार जो है इन लोगों का इसी जगह पर सड़क पर है। और यहाँ पर अब बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुबह से मौसम बना था, जिसके बाद भी परिवार के लोग, पीड़ित परिवार के लोग इस साइड भी हैं। और मैं दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लगातार प्रशासन यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनकी मांग जो है जायज़ है, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसमें जिन लोगों ने इस पूरे मामले में ये इतना बड़ा कारनामा किया है, उसके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा भी हो, लेकिन प्रशासन यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाया जा सके, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी यहीं पर हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि जब तक शासन लिखित रूप से ना दे तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जो स्थिति है, पूरा जो रूट है ये गाज़ियाबाद से लेकर अगर मेरठ जाना वाला रूट है, सुबह से यहाँ पर जैम लगा हुआ है। लोगों की मांग है कि यहाँ पर ये तभी खोलेंगे जब यहाँ से उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। आला अधिकारी यहाँ पर हैं, मंडलायुक्त तो यहाँ पर हैं, साथ ही DM गाज़ियाबाद यहाँ पर हैं, SSP यहाँ पर हैं, कप्तान सभी यहाँ पर मौजूद हैं। बावजूद इसके अभी भी आप देख सकते हैं लोगों की जो मांग है उसी मांग पर यहाँ पर लोग टिके हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ पर हैं, आप लोग, ये जो परिवार है इनसे मैं बात करता हूँ। आप लोगों से बात हो पा रही थी प्रशासन की, क्या कह रहे थे लोग, कुछ बात हो पाई? हाँ जी, प्रशासन से बात कुछ नहीं हो रही है, वो तो ये कह देते हैं ये दे देंगे, कुछ सबूत हो, कुछ दे तो जब देंगे, कुछ सबूत हो, सबूत कुछ नहीं दे रहे हमें। ये कहा जा रहा था कि 10 लाख रुपए की राशि और हाँ लाओ तो हम चेक दे दो और नौकरी के लिए वो लिख के दे दो, बात खत्म, हम उठा के ले जाते हैं बस, और क्या, वो दे नहीं रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो अब हम ठाकुर से अब मान लिया अभी ले जाएंगे ठाके, कल हमारी कौन सुनेगा, सुनेगा कोई, किसके पास जाएंगे हम, आप ही करके दे दो, हम अपना घर बेच ले जाएंगे। क्या कह रहे हैं, जब इतनी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा है तब नहीं ये बात समझ रहा प्रशासन, तो कल को ये कल के लिए टाल रहे हैं, कल को ये हमें पहचानेंगे भी नहीं कि हम इस परिवार से बिलोंग करते हैं। देखिए परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ है इसका गुमान किसी को नहीं था, क्योंकि जो छत गिरी थी उसमें इन लोगों के परिवार का कोई ना कोई सदस्य था। और अब ये सभी उस सरकार से यहाँ पर अपना निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसा दिया जाए ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें, कुछ उनकी आर्थिक सहायता ऐसी हो ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और इस तरह से हर जगह पर आप देख सकते हैं एक एक शव को रखकर यहाँ पर सुबह से ये जैम लगाया गया है। लगातार बातचीत की जा रही है परिवार की तरफ से और मैं इनसे बात करने जाऊंगा। आपकी बातचीत हुई थी क्या, क्या क्या बातचीत हुई थी अभी यहाँ पर, कहते हैं बात नहीं निकला है। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, मौके पे जा रहे हैं, DM साहब भी आए थे, SSP साहब भी आए हैं, कलानी दीजी, उनका भी कहना सिर्फ इतना सा है कि बहकावा दे रहे हैं, कल का आश्वासन दे रहे हैं। जब आप बताएं कल का आश्वासन आप हमें दे रहे हैं तो वही काम आज आप आज क्यों नहीं कर देते हमें, आज लोग लिखित मांग रहे थे, लिखित रूप में मांग रहे हैं हम, तो लिखित एक कागज आ रहा है के लिए है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक CM साहब से हम चाहते हैं, एक CM साहब ट्वीट कर दें ये सारी।
दीपक बिष्ट हमें बता रहे हैं कि वहां पर लोगों की मांग है कि भाई आप लिखकर हमें दीजिए कि सरकारी नौकरी मिलेगी, साथ ही 15 लाख जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं वो उन्हें दिया जाए। वो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ है, तब अगर उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो